जैसे कि प्लेयर अननोन, उन लोग को बहुत लोग मेल करेंगे कि गेम में ये फॉल्ट है, गेम में लैग होता है, गेम में लाइक यहाँ पे ये ग्लिच होता है. तो बेसिकली बीटा वर्जन मैंने पबजी मोबाइल सॉरी पबजी पीसी खेला, ठीक है. तो उस टाइम पे जो पहला गेम था उस टाइम में लाइक मैं सीख रहा था वो गेम, ठीक है. तो कुछ चूतियों ने उस उतने साल पुराना गेम प्ले का रिकॉर्ड करके लाइक सिर्फ इतना रिकॉर्ड किया जहाँ पे सिर्फ मैं मर रहा हूँ, ठीक है. मतलब ये रिकॉर्ड नहीं किया उस पर कि मैं लोगों को मार रहा हूँ, लोग में से हेडशॉट खा रहे हैं वहां मर रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ठीक है. तो जहां पे मैं मर रहा हूँ सिर्फ वो गेम में सिर्फ उतना सा रिकॉर्ड कर करके डाल दिया यूट्यूब पे, लाइक ऑब्वियसली हेट फैलाने के लिए, लाइक गांजली तो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो यार तो वो डाल दिया, ठीक है. तो तब लाइक उस टाइम पे कोई ये नहीं करता था कि पबजी पीसी खेल रहा है, तो लाइक कोई कुछ बोलता नहीं था. इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का जो ये रंडी रोना आजकल करते हैं चूतिया लोग, ठीक है, तब कोई बोलता नहीं था इंडियन कम्युनिटी को तू नीचे ले जा रहा है, तू मतलब ऐसा खेलता है. तब किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लाइक कहाँ जीरो सब्सक्राइबर्स थे, लाइक धीरे धीरे करके 100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, ठीक है. तब मैं लैग हो रहा हूँ, एक बंदा मेरे सामने, तब लाइक इन लोग को दिखा नहीं कम्युनिटी, ओके. एंड किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं लिटरली गाइस आप यकीन नहीं करोगे, जितने भी स्ट्रीमर्स है ना, जितने भी स्ट्रीमर्स है, इवन मैं छोड़ो मैं बाकी स्ट्रीमर्स का नाम नहीं लेता, मैं उन लोग के डिस्कॉर्ड पे जाके बैठता था वेटिंग रूम में, चार चार घंटे बैठा रहता था कि शायद अब मुझे मौका मिलेगा खेलने का तो मैं खेलूंगा इनके साथ, लाइक शायद मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा, शायद 200 से 300 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो करंट सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, ठीक है. मैं लिटरली चार चार घंटे बैठा रहता था, ठीक है. बट चार घंटे के बाद वो लोग कहते थे कि भाई लाइक देख यार टाइम नहीं मिला खेलने का, तो एक काम करते कल खेलेंगे या फिर जब टाइम मिलेगा मैं मैसेज कर दूंगा, लाइक लिटरली ऐसा मेरे को रिप्लाई मिलता था. तब भी मैं कहता था कि हाँ चलो कोई नहीं यार, लाइक कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकता हूँ आपके बस आप आपका भी चैनल है और ठीक है. तो तब किसी ने सपोर्ट नहीं किया. फिर आया पबजी मोबाइल, ओके. तो पबजी मोबाइल में मैंने देखा एक इंडियन यूट्यूबर है जिसने पबजी मोबाइल किया, उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर्स थे 1500 और उस बंदे के सब्सक्राइबर्स थे 3500, वो भी अच्छा चैनल था. तो मैंने देखा लाइक मैंने नोटिस किया कि उसका चैनल बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, ठीक है. मैं नोटिस किया ये बात, तो बोला यार देखो मैं लाइक अब दूसरों के डिस्कॉर्ड पे चार चार घंटे बैठने से अच्छा मैं पबजी मोबाइल खेलता हूँ, तो लाइक इससे शायद चैनल मेरा चलने लग जाए, शायद लाइक लोगों को कंटेंट अच्छा लगे, लोग शायद देखने आए स्ट्रीम. एंड वैसा ही हुआ, लोग देखने आ गए, ठीक है, स्ट्रीम देखने आ गए, चैनल चलने लगा, 1500 से 2000 सब्सक्राइबर्स हुए, 2000 से लाइक 3000 हुए, ठीक है, ओके, चैनल चलने लगा. तब तक इन लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ, तब तक ये जितने भी ये पटसेट शॉट जितने भी ये चूतिया हेटर्स थे तब इन लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ. एंड तब भी एम्युलेटर था, ठीक है, तब भी टेंसेंट ने एम्युलेटर बनाया था, ठीक है, लेकिन तब लॉन्च नहीं हुआ था ऑफिशियली, तब लोग तब लाइक ब्लू स्टैक पे चलता था, मतलब काफी सारे एप्स थे जिसपे आप खेल सकते थे, तब टेंसेंट एम्युलेटर नहीं आया होता. ए बेटे पटसेट शॉट, ठीक है. सो लाइक फिर टेंसेंट एम्युलेटर आया, तब भी मैं खेलता था, फिर धीरे धीरे गेम चलने लगा अच्छे से, ओके, लाइक सब कुछ बेस्ट होता था. बहुत आर्ट, सारे बंदे मर गए, बहुत प्यारा गाइस, ओके. तो तभी सब सही चलता था, ठीक है. और उसके बाद फिर चैनल ग्रो होने लगा, लाइक जब तक मेरे 1 लाख नहीं हुए ना गाइस, 1 लाख तक, और मेरा देखे देखी बहुत से यूट्यूबर ने पबजी मोबाइल खेलना स्टार्ट किया कि यार इस बंदे ने, भाई मेरे को नहीं चाहिए आप यूज करो, मेरे को नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच. तो इस बंदे ने लाइक अपना यूट्यूब चैनल 1500 से स्टार्ट किया और आज मतलब इतना ग्रो हो गया, 20,000 हो गया, 30,000 हो गया, लाइक इतना कुछ हो गया, इतना इन लोगों ने लाइक इतना इसमें लाइक ग्रो कर लिया. तो बहुत लोगों को लाइक इंस्पिरेशन मिल गया, चलो हम भी ट्राई करते हैं, हम भी खेलते हैं, ठीक है. 1 लाख तक किसी को प्रॉब्लम, जैसे ही मेरा 1 लाख हो गया तो धीरे धीरे ना लाइक लोग आने लगे, बोलने लगे कि ऐसा है वैसा है, लाइक तब भी बहुत कम थे, अभी जीत गए, ओके, तब भी बहुत कम लोग थे ऐसे जो बोलते थे, लेकिन इतने नहीं के बराबर, ठीक है. तो अरे यार ओके, तब भी लोग नहीं बोलते थे, लेकिन जब तुम्हारे भाई ने 1 लाख की वॉचिंग लेके आ गया, पर 1 लाख नहीं 60,000 की वॉचिंग लेके आया, जब लाइक कैरी का रिकॉर्ड था 65,000 वॉचिंग का था,
मेरा 62,000 का लाइव रिकॉर्डिंग वॉचिंग आ गया था, तब नियॉन मैंने स्टोरी भी डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे कि सबसे बड़ा लाइव वॉचिंग कैरी मिनाती का है कि उसने 65,000 लाइव वॉचिंग लाया, एंड सेकंड नंबर पे डायनामो गेमिंग है, उसने 60,000 लाया, एंड अगर ये रिकॉर्ड ब्रेक करेगा तो मैं पोस्ट करूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो मैंने रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया, मैंने 65,000 किया, मैंने सीधा 87,000 की वॉचिंग लेके आ गया, और 87,000 हमारा रिकॉर्ड बन गया, ठीक है। तो मेरी नियॉन मैन ने स्टोरी डाल दी, तो जैसी स्टोरी डाली नियॉन मैन ने, उसके बाद जितने भी हेटर्स हैं उन लोग की गांड में धीरे से चिंगारी लग गई, यार भाई ये चैनल मतलब कैसे इसने ग्रो कर लिया, लाइक कैसे 89,000 की वॉचिंग लेके आ गया, कैसे ये अकेला बंदा कैसे इतना कुछ कर गया, अपने दम पे ये कैसे इतना कुछ कर गया, ठीक है। तब वो लोग लाइक निकालने लग गए, नुक्स निकालने लग गए, ठीक है। तो ऑब्वियसली यार देखो, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप लाइक बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, जो कि मैं भी कर रहा था, ठीक है। बहुत बहुत लोग मेहनत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो कुछ यूट्यूबर है जिन लोग की गांड में थोड़ी अंगार लगी, तो उन लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया कि लाइक क्या आप पबजी मोबाइल खेलते रहते हैं, एमुलेटर पे खेलते हैं, ऐसा वैसा ये वो, मतलब वॉचिंग लेके आते, लाइक उनको उनका बोलने का अंदर का मतलब ये था कि चला हम लोग इतने साल से गांड घिस रहे हैं, हमारी वॉचिंग नहीं आती, और ये बंदा कहाँ से इसने स्टार्ट किया, 1,500 से सीधा 1 लाख हो गया, और 89,000 की वॉचिंग भी लेके आ गया, और इंडिया के टॉप के चैनल में भी आ गया, मतलब तब तो कैरियर में टॉप पे था, मैं टॉप पे नहीं था, लेकिन वॉचिंग में मैं टॉप पे था पूरे इंडिया में, ठीक है। तो इन लोग की लाइक जलने लग गई धीरे से, तो फिर उसने वीडियो बनाया, ठीक है, सबको अनसब्सक्राइब करना लाइव लाइव स्ट्रीम पे, ये सब चीज़ें, तो लाइक वो एक तरीके से उसका बुरा अटेम्प्ट था, और वो सब सॉर्टेड है उन लोग का, लाइक वो सही, ठीक है। मैं अभी भी उन लोग में से किसी को हेट नहीं करता, बिकॉज वो अपने जगह पे सही है। ऑब्वियसली अगर मैं भी मुझे बताऊंगा तो मैं भी सोचूंगा यार कि यार मैं लाइक दिन भर मेहनत करता हूँ, और ये भी मैं भी मेहनत ही करता हूँ, वो भी मेहनत करते हैं, बट इसने वॉचिंग लेके आ गया लेकिन मेरी वॉचिंग नहीं आई, तो लाइक थोड़ा सा एक जेलस फैक्टर निकलता है ब्रो, ठीक है। आप लोग को भी लगेगा ना कि ये देखो यार, मैंने कॉमन एग्जाम्पल है, अगर मैं स्प्लेंडर लेता हूँ, मेरे बाजू वाले घर में मेरा दोस्त रहता है, उसके पास R15 है, तो लाइक थोड़ा लगता ना कि मेरे पास स्प्लेंडर, उसके पास R15 कैसे आ गई, लाइक थोड़ा जेलस फैक्टर होता है। तो उन लोग को भी लगा कि यार साला हम लोग भी सेम करते, ये भी सेम करता, लेकिन इसको वॉचिंग क्यों आती है, हमको क्यों नहीं आती है, लाइक वो जो चीजें थी, वो इंटेंशन थी, उन लोगों ने बताई तो नहीं इन फ्रंट सबके सामने, लेकिन अलग वे में एक हेट के चक्कर में इन लोगों ने बता दिया कि यार पबजी मोबाइल खेलता है, एमुलेटर पे खेलता है, ये करता है, वो करता है, ठीक है। जबकि एमुलेटर बनाया किसने, टेंसेंट ने, ठीक है, सब कुछ टेंसेंट का है, सब पबजी मोबाइल का ही है। एंड जब आप टेंसेंट जब ओपन करते हो, तो वहां लिख के आता है कि एमुलेटर के अगेंस्ट में एमुलेटर ही आते हैं, अनलेस आपके अगेंस्ट में जो 3 मोबाइल प्लेयर्स है या 2 मोबाइल प्लेयर्स है, अनलेस वो लोग अपने टीम में एक एमुलेटर ना लाए, तब तक कि आप मोबाइल के अगेंस्ट में ही खेलोगे। अब भाई हम लोग 4 बंदे एमुलेटर पे खेलते हैं, मतलब हम लोग हमारे तरफ से लाइक एकदम सेफ है, लाइक हम 4 एमुलेटर खेल रहे हैं, हमारे माइंड में ये सेट है कि अगेंस्ट में एमुलेटर ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम किसी के मोबाइल के साथ नहीं खेल रहे हैं। हम आपने देखा कैसे मेरे साथ सारे एमुलेटर खेलते हैं, नर्ड हो गया, अल्फा हो गया, गरीब हो गया, गुरु हो गया, जीउस हो गया, बेटी हो गया, हम लोग सब एमुलेटर से खेलते हैं, राइट। तो एक भी मोबाइल प्लेयर नहीं है इसमें, अभी अभी मैं खेल रहा हूँ, बिकॉज इन लोगों को प्रैक्टिस करानी पड़ती है, इन लोग का ओपो सीरीज था जो कि मैं अब भी खेलने नहीं वाला इन लोग। अच्छा गरीब है क्या? अबे हाँ भाई, हम सुना अबे कुछ कच कच आवाज आ रही है, वाला कौन बैठा है, कच कच आवाज आ रही है, ठीक है। तो सुना रहा है क्या अपना? हाँ थोड़ी स्टोरी सुना रहा है, एक लड़की का सुपर चैट है, तो बता रहा हूँ क्या सीन हुआ था। तो फिर ये सब हुआ, इन लोग का सब सीन हुआ, इसके बाद लाइक वॉचिंग वॉचिंग आ गई अच्छी खासी, और फिर एक महाछूतिया ने बना दिया वीडियो, ऐसा वैसा ये वो, एंड अबे ये सब सडनली तो छोड़ ना, सब हेटेड अपने जगह, एमुलेटर में सब अपने जगह। पहले इनका पॉइंट था कि तुम्हारे पास 0 स्किल है, अब इनका पॉइंट है कि यू ऑल आर हैकर्स। सिपाचा रिसीव्ड। मैं तो 0 स्किल में हैक क्यों लगेगा, मैंने खुद के बाद कोई वो कर दिया ना कॉन्ट्राडिक्ट। हाँ तो गाइस देखो, फिर एक चूते ने मेरे ऊपर वीडियो बना दिया कि ऐसा है वैसा है, मैं चैलेंज करता हूँ इसको, ये वो लौड़ा लसन जो भी चीज़ है, ठीक है। एंड सडनली उसकी वीडियो को व्यूज आ गया, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा मेरा नाम अगर आप यूज करोगे तो आपको व्यूज आ जाएंगे। एंड उसको प्रमोट किया गया, अच्छा उसको प्रमोट किया गया, अरे हाँ उसको प्रमोट किया गया, हाँ उसको प्रमोट किया गया अपने स्ट्रीम पे कि देखो ऐसा है वैसा है, लाइक एक चुदाप ने दूसरे चुदाप को प्रमोट किया, ठीक है, सिंपल सी बात है, ओके। सो काफी लोगों ने जाके लिए उसको वीडियो देखी है, उसको फिर उसका देखा देखी बहुत लोगों ने वीडियो बनाया, उनको देख के ना कि यार देखो हमारा चैनल तो ऑलरेडी ऑलरेडी चूचा पर चल रहा है, कोई देखने आता नहीं है, तो हम लोग भी हेट फैलाते हैं, हम लोग भी लाइक हेट वीडियो बनाते हैं डायनामो के अगेंस्ट में, और हमको भी वॉचिंग आ जाएगी, हमको भी व्यूज आ जाएंगे, हमारा चैनल भी ग्रो हो जाएगा। तो ये एक धागा पकड़ के सारे चूतियां निकल गए भेड़ चाल में वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो गाइस आज तक भी मैंने किसी के अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाया, ठीक है, आज तक भी लाइक इन लोगों ने इतना कुछ किया, मैंने आज तक भी एक वीडियो नहीं बनाया, बिकॉज ऑब्वियसली यार जब ये लोग उस टाइम पे भोगते नहीं थे, आज अगर भोग रहे हैं, अगर उस टाइम से भोगते ना लाइक 1,000 2,000 पे भाई तुम मिडल क्यों खेलता है मोबाइल पे खेल, तब मैं बोलता कि हाँ बच्चों आप स्टार्टिंग से बोल रहे हो,
कि भाई मोबाइल गेम है, आप इमेटर पे क्यों खेल रहे हो, मोबाइल पे खेलो, तब मैं मानता। लेकिन जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, और फिर लाइक 1 लाख की वॉचिंग भी आ गई, अभी आज आज रिकॉर्ड हमारा लाइक 1,21,000 का रिकॉर्ड है पूरे इंडिया में, किसी ने अभी तक तोड़ा नहीं, कैरी ने भी तोड़ा नहीं है, मैं विश करता कि वो तोड़े भाई, लाइक एक बंदा आया जो रिकॉर्ड तोड़े मेरा, तो किसी ने तोड़ा नहीं है, ठीक है। सो फिर ऐसा धीरे धीरे चुनाव बढ़ते गए, ऐसा धीरे धीरे ये हेटरेट जो है ये बढ़ते गई, ठीक है। लेकिन इसका क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा ना, उन लोग को सिर्फ वही लोग देखते हैं जो लोग सिर्फ मिर्च मसाला चाहते हैं, मतलब जो लोग लिटरली खुद एक आंटी है, अगर तो आंटी कैसी होती है इंडिया की, एक आंटी होती है जो एक अपने घर की बातें छुपा के रखती है, लेकिन इसके घर की बात उसके घर में करती है, उसी घर की बात इसके घर में, फुल चुगलिया, ठीक है, फुल इसकी चुगलिया, मतलब जो लोग चुगलिया करते हैं ना रियल लाइफ में, वही लोग इन लोग की वीडियो जाके देखते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, लेकिन इन लोग की कोई वैल्यू नहीं है गाइस। मैं आपको बताता हूँ कैसे, जब मैं रास्ते पे निकलता हूँ ना, ठीक है, मैं ऐसा घमंड नहीं करता, जैसे अभी कल की बात है, मैंने स्टोरी भी डाला था, एक लड़की मेरे से मिलने आई, उसने बोली कि आप डायनामो में तो सेल्फी क्लिक करनी है, उस बंदे ने मुझे केक दिया 2 मिलियन का, लाइक 2 मिलियन का गिफ्ट दिया छोटा सा, एक तरह कार्ड बना के दिया, यार ये होती है छोटी सी रिस्पेक्ट, एक छोटी सी दिल में रिस्पेक्ट, लोगों के दिल में रिस्पेक्ट हो जाती है कि लाइक आप ऐसे काम करते हो, वो छूते जब रस्ते पर निकलेंगे ना तो लोग बोलेंगे अभी देखो छूते जा रहा है जो सिर्फ हेट फैलाता है, ठीक है, आपके कमेंट सेक्शन में आके लोग बोलेंगे कि यार कोई पहचान नहीं पाएगा उनको, हाँ कोई पहचान नहीं पाएगा, लिटरली ये ऐसे छूते हेटर्स को, मैं लेकिन इनको आंटिया कहता, ये सिर्फ चुगलिया करती है, ठीक है, मतलब ये लोग जो रस्ते पे जाएंगे ना, इन लोगों की पहचान ही नहीं पाएगा, लाइक इनकी कोई हस्ती नहीं है, इन लोगों की कोई पहचान ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ तुम लोग सिर्फ हेट एक की जगह तुम, और पता है इनका हेट फैलाने का क्या हुआ, मैं 1 लाख से 2 लाख हो गया, 2 लाख से 10 लाख हो गया, 10 लाख से 20 लाख हो गया, 20 लाख से मैं 30 लाख हो जाऊंगा, कुछ कुछ उखाड़ नहीं सकते लोग मेरा, कुछ नहीं उखाड़ सकते, ठीक है। और अभी लाइक इनको सब पॉइंट, मैंने इनका सब पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है, अभी इन लोग का नया चुनाव स्टार्ट हुआ है कि भाई इमिटेटर वाले हैक करते हैं, ठीक है, ये देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये मेरा लाइक ओबीएस है, उस लाइक लोग कहते हैं कि ओबीएस में लाइक छुपा के रखता है, देखो ये डिस्प्ले कैप्चर पूरा क्लियर, ठीक है, इसमें मैं यहाँ अगर स्विच कर दूंगा तो ये हट जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, चलो यहाँ से दिखा सकता, यहाँ से दिखा सकता हूँ, अगर जो हैक होता है वो एक ऐप होता है, राइट, तो मेरे टास्क मैनेजर देख लो क्या क्या चल रहा है, डिस्कॉर्ड, सिग्नप्स, ओबीएस, टास्क मैनेजर, टेंसेंट और विंडोज प्लेयर, ये 5 चीजें चल रही, अगर मैं हैक यूज करता तो यहाँ पे एक और चीज दिखाती कि भाई तू हैक यूज कर रहा है, ये तेरा हैक का ऐप है, वो भी दिखाता, ओके, टास्क मैनेजर में आप सब कुछ देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर में लिटरली 1% क्या चीज चल रही है, टास्क मैनेजर कभी झूठ नहीं बोलता, आपके कंप्यूटर में जो चीजें चल रही है वो सब चीजें आपके कंप्यूटर में टास्क मैनेजर में शो होता है कि आप भाई देखो जितनी भी सर्विसेज है सब चल रही है सब, ठीक है, और ये सारे के सारे ऐप्स है जो यहाँ पे चल रहे हैं, लाइक डिस्कॉर्ड, स्ट्रीमलैब्स, टास्क मैनेजर, टेंसेंट और विंडोज प्लेयर, ये सारी चीजें चल रही है, ठीक है। तो भाई अभी अभी इन लोग का लाइक कुछ छूते भाई इनका लाइक, अबे इट्स फनी बे, पहले लोग बोले कि खेलने के लिए स्किल नहीं चाहिए, चलो ठीक है, मतलब बिना स्किल के हम लोग मार रहे हैं अच्छा पेल में, ठीक है, हाँ। आप बोल रहे ये हैक करते, मतलब स्किल चाहिए ना तभी ना हेडशॉट आ रहा है, हाँ पट से हेडशॉट का रियल रीजन ये है, पट से हेडशॉट, अबे वहां लिखो कि भाई हमारी गांड जली कि हम के डायनामो गेमिंग इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बन गया गेमिंग में, और हमारी गांड जली कि हम लोग जो ड्रीम करते थे वो हम लोग अचीव नहीं कर पाए, तो हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग जलेंगे और उसके अगेंस्ट में हेट वीडियो बनाएंगे, लाइक हम लोग आंटिया है, चुगली करेंगे, अच्छे तू करे बस चुगलिया, कितनों से बता तू चुद लिया, सिंपल ये फंडा है मेरा, सबको पता है तू हमसे ही चुद लिया, इसलिए हमारे अगेंस्ट में वीडियो बना रहा हेट के, सिंपल लाइन से ब्रो, सिंपल, एंड बनाओ, मैं तो बोलता हूँ बनाओ भाई, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, मैं 3 मिलियन होने वाला हूँ और मैं होके दिखाऊंगा तुमको, और 3 मिलियन पे भी एक वीडियो बनाना कि भाई हमारी गांड जली है लेकिन डायनामो 3 मिलियन हो गया, तो पता है मैं आज भी ऐसे यूट्यूबर्स से बिल्कुल हेट नहीं करता, बस ये सोचता हूँ कि यार इनके दिमाग में जो लाइक जो गोबर भरा है शायद कभी ना कभी ठीक हो जाए, शायद अपने कंटेंट पे लोग फोकस करें शायद, तो ताकि चैनल चल जाए, देखना उन लोग के तुम चैनल देखोगे, उन लोग के चैनल तुम देखोगे ना उनके खुद के वीडियोस में घंटा व्यूज है, लेकिन जहां पे मेरा नाम जोड़ा, जहां पे मेरा थंबनेल यूज किया, वहां पे लाइक हजारों में व्यूज, ठीक है, हजारों में व्यूज वहां पे, मतलब भाई जो फैमिली में एक होता है ना, देखो जैसे फैमिली में क्या होता है, एक बाप होता है, एक माँ होती है, बच्चे होते हैं, तो बेसिकली बाप पूरा घर चलाता है, अपनी फैमिली संभालता है, ठीक है, तो उस चैनल में लिखो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हारा चैनल मेरे नाम पे ही चलता है, ऐसा लिख दो भाई। और रही बात इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की, तो भाई पहले खुद कुछ उखाड़ो, एक ऑफलाइन टूर्नामेंट एटलीस्ट जीत के दिखाओ, गेमिंग कम्युनिटी करते हैं, गेमिंग कम्युनिटी के नाम पे तुम ये दिखा रहे हो कि हम लोग हेट पे लगा रही है, हाँ, और बहुत अच्छा गेम है। और रही बात गेमिंग कम्युनिटी की, भाई ESL 2013 बैटलफील्ड 3, ESL 2014 बैटलफील्ड 4, मेरा टीम का नाम था इंडियन नाइट्स, जो कि आज भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मेरा न्यू सीन, ठीक है, ये मेरा डिस्कॉर्ड आ गया,
ठीक है, ये रहा क्या लिखा है, आई एन के इंडियन नाइट्स, ये मेरा क्लैन था 2013 से मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब इस क्लैन में हूं मैं अभी भी, ये खुद का मेरा क्लैन है ठीक है। ये इंडियन नाइट्स के सारे सर्वर, ये देखो यहाँ पे राइट में देखो क्लैन लीडर कौन है, डायनामो और आई एन के मास्टर माइंड, ये अभी अपेक्स लेजेंड खेल रहा है ठीक है। गरीब में एक मिनट में आया, पेटी के ऊपर आ रहा है, और क्या हाल है? अरे क्या हाल है भाई, बढ़िया बढ़िया, कैसा खेल रहा है, अपेक्स खेल रहा है? ओ डायनामो, बढ़िया बढ़िया, कैसे हो? हेलो माय पत्ते, अरे राहुल मैं कह रहा था बैटलफील्ड खेलेगा कभी, बैटलफील्ड 4 या बैटलफील्ड 3? तू बोल मैं डालता हूँ, खेलेंगे, खेलते चल ठीक है, खेलते हैं कुछ टाइम बाद। चल डायनामो तू नहीं खेलता है? एपेक्स, एपेक्स मैं अभी डाउनलोड कर लिया हूँ, अभी खेलते हैं अपन, कल खेलते हैं, खेलेंगे खेलेंगे, चलो बताना तू फ्री कब होता है। हाँ ठीक है ठीक है, चल बाय। और तू यार नया नंबर दे मेरे को अपना, कौन सा नेम? अरे हाँ डिस्कॉर्ड रिसेट हुआ पूरा मेरा, मैं तो देता हूँ, दे दे भाई। हाँ बाय बाय बाय। ठीक है, ये मेरा दोस्त है राहुल और रोहन, ये दोनों भाई के जुड़वा ठीक है। मैं इन लोग के सर्वर में खेलता था बैटलफील्ड में, और इन्हीं लोग की मैंने बहुत बचाई थी, मतलब अच्छे में बोल रहा हूँ, तब मेरा गेम प्ले बहुत अच्छा था, पर कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने खेला है, और इन लोग के सर्वर में इतना खेलता था, इनके सर्वर का नाम था इंडियन नाइट्स, मैं इनका लीडर नहीं था, मैं इन लोग के सर्वर में गया, इन लोग को मारा बहुत, इनके सारे मेंबर्स को मारा, तो इसका छोटा भाई जो है रोहन राहुल का, वो मेरे पास आया, मुझे कहता कि भाई डायनामो तू अच्छा खेलता है, हमारा क्लैन ज्वाइन करेगा क्या? तो उस टाइम मेरे को इतना घमंड था ना, मैंने बोला कि भाई डायनामो इज वन मैन आर्मी, वो अकेला खेलता है अकेला जीतता है। तो रोहन कहता है भाई प्लीज ज्वाइन कर ले यार ऐसा वैसा, तो मैंने बोला भाई मजाक कर रहा था, मैं ऑब्वियस अगर खेलूंगा, बहुत अच्छा क्लैन है आप लोग का, मैं ज्वाइन करता हूँ। तो एक महीने में मेरे गेम प्ले से गाइस इनका सारा दिल मैंने जीत लिया, इनकी सारी टूर्नामेंट मैंने जिता दिया, इनको पूरा मैंने क्लैन मैचेस जिता दिया ठीक है। और बैटलफील्ड में होता था ग्रैंड बाजार, ऑपरेशन मेट्रो, और एक नाम था उसका नाम मैं भूल गया, बट ये दो मैप हम बहुत खेलते थे ठीक है। और इन लोगों ने मुझे एक महीने में अपना लीडर बना दिया कि भाई तेरी स्किल्स बहुत अच्छी है लाइक बैटलफील्ड में, तू तेरा एम भी अच्छा है, तू स्नाइपिंग भी अच्छी करता है, तू लाइक छोटे छोटे बच्चों को लाइक या फिर हमको हमारे क्लैन को गाइड कर कैसे करता है। तो 2013 से 2019 आज भी मैं क्लैन लीडर हूँ, देख रहे हो यहाँ पे क्लैन लीडर दो है, आयन के मास्टर माइंड जिसका नाम है राहुल, और ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ डायनामो। 2013 से 2019 तक मैं आज भी इनका क्लैन लीडर हूँ, समझ रहे हो, आज भी इनका मैं लीडर हूँ ठीक है। तो लाइक और ऑफलाइन टूर्नामेंट से बात करता हूँ, मुंबई में इतने टूर्नामेंट खेले ना भाई, मैंने डोटा में रेजर का ब्लैक विडो जीता है, रेजर का नागा जीता है, मोल्टन एडिशन माउसपैड जीता है, आज भी मैं यूज करता हूँ ऑफलाइन टूर्नामेंट जीतने के बाद भी। तो भाई खुद पहले एक ऑफलाइन टूर्नामेंट जीतते बताओ ठीक है, उसके बाद इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के बारे में बोलना, ये मैं सबको कह रहा हूँ, जो वीडियोस बनाते हैं उनको भी कह रहा हूँ, और जो उनकी वीडियोस में कमेंट करते हैं ना गेमिंग कम्युनिटी खराब कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, उन सबको कह रहा हूँ, पहले खुद बोलने से पहले खुद सोचो कि भाई मैंने क्या उखाड़ा है लाइफ में, मैंने ऐसा क्या काम किया जो मैं इसको ये कमेंट कर रहा हूँ ठीक है। पहले खुद कुछ उखाड़ो, उसके बाद किसी को कमेंट करना कि तू कम्युनिटी में ये कर रहा है वो कर रहा है। अबे ऊपर से दिक्कत क्या पता है, अरे ये इतना बड़ा वाला चैनल है ये कैसे कुछ बोल रहा है, मतलब हम लोग सिर्फ सुनते रहे किसी दिन जवाब दे तो ये बंदा रूड है, इसका बिहेवियर। हाँ अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ ना, कोई क्लिप करके डालेगा फिर लाइक जो हेटरेट जो फैला रहे वो चूते बोलेंगे भाई देखो इसमें कितना एटीट्यूड है, मतलब मैं जो मेरे पॉइंट रख रहा हूँ, जो मैंने जो जर्नी स्टार्ट की 2010 से मेरे पूरे गेमिंग करियर की यूट्यूब चैनल की ठीक है, जो मैं जर्नी स्टार्ट की वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब इसमें लोगों को एटीट्यूड दिखेगा ठीक है कि भाई तू एटीट्यूड दिखाता है, अपने लोगों से ऐसे बात करता है, जबकि मैं किसी को गाली देता नहीं हूँ ठीक है। लाइक आपने देखा सुना होगा कि मैं मेरे स्ट्रीम पे जब भी मैं खेलता हूँ मैं कभी कभी लाइक बहुत एक्साइटमेंट में या बहुत गुस्से में दे देता हूँ, बट 90% मैं गाली कभी नहीं था, बिकॉज जब से मुझे वो एक लड़की ने बोली है और वो आंटी ने बोली कि हम लोग स्ट्रीम घर पे देखते तो अच्छा नहीं लगता, तब से मैंने लाइक छोड़ दिया सब कुछ। यार मतलब मेहनत करो, आपको भले ही लेट फल मिलेगा लेकिन मिलेगा, सबको मिलेगा, डोंट वरी, किसी पे हेट फैलाने से लाइक कोई फायदा नहीं, आपका चैनल तब तक ही लोग देखेंगे जब तक कि आप, और वही लोग उनका चैनल देख रहे हैं जो सिर्फ मसाला चाहते हैं पूरे कम्युनिटी में, जो खुद तो कुछ करते नहीं है ठीक है, लेकिन सिर्फ ये देखते कि हाँ इसके झगड़े इसने लगा दिया, उसके झगड़े इसने लगा दिया, मतलब लिटरली आंटियां लोग, इसकी चुगली उससे घर, उसकी चुगली इससे घर, भाई इसका पति उसकी बीवी को लाइन मार रहा था, भाई इसका बेटा उसकी बेटी को लाइन मार रहा था, मतलब आंटियां हो तुम लोग, सिर्फ चुगली कर रहे हो, कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर तुम अगर जलते हो ना, जलो मत भाई, सबको कह रहा हूं मैं, सभी को कह रहा हूं, अगर तुम जलते हो ना गाइस, तुम लोग कभी भी जितने भी हेटर्स है, कभी भी तुम लोग मेरे लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे, कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं पहुंच पाओगे ठीक है। बट अगर तुम बराबरी करोगे ना तो तुम एक स्टेप से ऊपर आओगे ठीक है, लाइक जीरो से वन पे आओगे, वन से टू पे आओगे, टू से थ्री पे आओगे,
एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम मेरे बराबर पहुंच जाओगे एंड मैं बोलूंगा कि यार इस बंदे ने मेहनत किया और ये बंदा आज मेरे लेवल पे खड़ा। ठीक है, जब गरीब मेरे पास आया था, गरीब के 6 लाख सब्सक्राइबर्स थे ना, गरीब 5 लाख, 5-4 थे जब मैं, 5 लाख थे गरीब जब मेरे पास आया था, मेरे कितने थे, सिर्फ 20,000 या 30,000 या हार्डली 50-60,000 होंगे शायद, है ना। 15-16 में मैंने तेरे को देखा था, 15-16 हजार में गरीब ने मेरे चैनल को देखा, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, हम लोगों ने अच्छी बात की, हम लोग बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन जम गया, लाइक अच्छी बॉन्डिंग होगी, हमने खेलना स्टार्ट किया। तो भाई मैंने तो उसको नहीं बोला कि यार तेरा चैनल ये है, पैसा है भाई, तू नया चैनल स्टार्ट कर रहा है, मेरी थोड़ी हेल्प कर देना, ये कर देना, वो कर देना भाई प्लीज, ये वो ये वो, लाइक भाई मेहनत की है, उसने भी मेहनत किया, मैंने भी मेहनत किया, हम सबने मेहनत की है, ये सीन है। मैं स्टिल किसी से हिट नहीं करता, लाइक जितने भी पबजी पीसी स्ट्रीमर्स है, पबजी मोबाइल स्ट्रीमर्स है, सबने तो मेहनत की है, सबने मेहनत की है, सभी मेहनत, वो भी तू मेरे सामने था कि कहां से तू 500 वाचिंग से तेरा 5,000, 5,000 से 50,000, अब हाँ तेरे सामने ही हुआ सुपर चैट रिसीव्ड, ये मैं कह रहा हूँ। फिर चलते हैं, चलो मत यार, बराबर ही करो, इस इतना ही मेरा कहना है। अल्फा, अल्फा को भी देख लो यार, का कहां अल्फा ने मेरे को देखा था, जब मैं 7,000 सब्सक्राइबर्स पे था, अल्फा 13,000 सब्सक्राइबर्स पे था, और अल्फा ने बोला कि भाई लाइक खेलते हैं, अल्फा की तो स्टोरी आपने देखी ना गाइस, वो अपने लाइक उसे अल्फा टॉक्स से पता नहीं क्या उसका जो था उसने उसे बताया था, आज अल्फा कहाँ पर है, लाइक 3 लाख आई थिंक, 2 लाख या 3 लाख पे है, भाई मेहनत करता है बंदा, सुबह से स्ट्रीम करता है, दोपहर में स्ट्रीम करता है, रात में स्ट्रीम करता है, मेहनत करता है, मेरे को तो बोलता नहीं आके कि भाई ऐसा करते वैसा करते, मेहनत करता है, नर्ड भी मेहनत करता है, सब मेहनत करते हैं, मेहनत करो भाई, तुमको अप्रिशिएशन मिलेगा, तुम लोग जब बाहर कदम रखोगे ना अपने घर से, लोग तुमको मतलब पहचानेंगे यार, ये डायनामो है, ये अल्फा है, वैलिड क्रिटिसिज्म होता है और एक होता है चूतिया, इनलॉजिकल, इनलॉजिकल। अबे मतलब उनमें से एक बंदा लॉजिक पता क्या है, ये लोग विंडो कैप्चर यूज करते हैं क्योंकि इन्हें हैक करना होता है, वो क्या विंडो कैप्चर यूज करते हैं क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है, ये गेम नहीं है, अगर हम गेम यूज करें, लाइफ होता है भाई डेस्कटॉप, और कितने बार तो हम लोग को करना पड़ता है क्योंकि एमुलेटर सपोर्ट नहीं करता, जब भी क्रैश होता है हमें डिस्प्ले कैप्चर में आना ही पड़ता है। कैंसर गाइस, कैंसर, असली आतंकवादी तो बेंचो दिए ऐसे लोग हैं अपनी कम्युनिटी में, सुपर चैट रिसीव्ड, जो खुद तो कुछ उखाड़ने की औकात रखते नहीं है लेकिन दूसरों पे उंगली जरूर उठाएंगे। अबे दीमक है बे, दीमक, और मेरे ही नाम यूज करके अपना चैनल अभी लाइक 1,000, 2,000, 10,000 या 5,000 तक चालू कर दिया, और बस, लेकिन कह रहा हूँ ना, वो जो फैमिली में होता है, जो बाप होता है, जो पूरी फैमिली चलाता है, जिसके कारण घर चलता है लोगों का, वैसा। Thank you for becoming a member. Yo, dab. खेल रहा है क्या तू? नहीं, कितना हाइपिंग आ रहा है यार। हाइपिंग तो आ रहा है, बट मेरा वो आईडी भी यार वो बफर ओवरफ्लो बता रहा है साला। वापस लॉगिन करना 24 घंटे, मेरा 24 घंटे बाद ना, किसी ने ट्राई किया होता पेटीएम मेरा लॉगिन करने का बहुत बार, ब्लॉक कर दिया पेटीएम वालों ने, अब कैसे खुलेगा भगवान ने। तो पेटीएम ऑफिस चले जा, हो जाएगा। हाँ वही करेंगे।